नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जगह जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह कूड़े के ढेर की वजह से गंदगी, बदबू और बीमारी फैलने का अंदेशा है। इसी के चलते हमारे संवाददाता ने शालीमार बाग विधानसभा के वार्ड नंबर 62 का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से उनकी समस्या को जानने की कोशिश की। ये जो स्थिति बनी हुई है वार्ड नंबर 62 के अंदर, इसके लिए आप क्या कहते हैं? इसकी पूरी जिम्मेदारी बीजेपी शासित एमसीडी की है, जो कर्मचारियों को टाइम से वेतन नहीं देती। आज एक चीज बताओ, निगम पार्षद की कोई सैलरी नहीं, कोई भत्ता नहीं है। एक मीटिंग का उनको 500 रुपये मिलता है, महीने में 4 से 5 मीटिंग कर सकते, इससे ज़्यादा कर नहीं सकते। लेकिन कुछ दिनों के अंदर, 2 साल के बाद उनके पास कोटी बंगले गाड़ियाँ कहाँ से आ जाती हैं? यहीं सब पैसे को वो लूटते हैं। आज दुनिया में सबसे जो भ्रष्ट संस्था है वो एमसीडी है। लिंटर के नाम पे पैसे वसूली। मैं एक चीज, दो मुद्दा आपको बताना चाहूँगा तत्काल। ये छोटे छोटे, ये शालीमार गांव में आप खड़े हो, शालीमार गांव का चौक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा हो गई है, जो अपनी दुकान, घरों में एक दुकान करके किसी भी तरह 500-300 रुपये का पर डे की सेलिंग हुई, उनके यहाँ कन्वर्शन चार्ज 40-40 हज़ार के नोटिस आ गई। सफाई के नाम पर 11-11 हज़ार 16-16 हज़ार की नोटिस आ गई। आज कोरोना में 1 साल से लोग खुद ही परेशानी, काम धंधा बंद है, और उसके बाद एक एक दुकानदारों के पास 60-60 हज़ार की नोटिस दे रहे हो। आप ये बताइए, आपका कहना यह है कि अगर आपकी सरकार आपकी एमपीडी के अंदर, तो आप कन्वर्जन चार्ज माफ कर देंगे? हाउस टैक्स, जो ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो एकदम बिल्कुल अपने किसी भी तरह, कोई महिलाएं घर में दुकान करके अपने जुका, बिल्कुल कन्वर्जन चार्ज नहीं लगना चाहिए, मैं उसका एजेंट हूँ। जो मार्केट है उसमें कोरोना, और मार्केट में कन्वर्जन चार्ज लगने के बाद अगर हमारी सरकार आती है एमसीडी में, तो मार्केट में कन्वर्शन चार्ज लगता है, जो सरकारी मार्केट है, लेकिन उसमें व्यवस्था भी देना पड़ता है। वहाँ पर पार्किंग का व्यवस्था दो, शौचालय की व्यवस्था करो। कन्वर्शन चार्ज किस नाम पर सोल रहे हो? पार्किंग, कोई कस्टमर जाए क्या इस मार्केट में? अगर मैं कन्वर्शन चार्ज दुकानदार दे रहा है, तो उसको ग्राहकों की सुविधा भी तो मिलनी चाहिए। कोई सुविधा नहीं है, कहीं भी दिखा दो। लेकिन नियम जो कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर आप दुकान चला रहे हैं, या तो आप मार्केट में चलाएं या उसको कमर्शियल लेके चलाएं, तो उसके लिए अगर आप कन्वर्शन चार्ज लगता है, अगर हम टैक्स देते हैं, कोई मैं हाउस टैक्स देता हूँ, तो उस टैक्स के बदले हमें सुविधा भी मिलनी चाहिए। टैक्स किस लिए दिया जाता है? अपनी सुविधा के लिए। तो क्या अगर टैक्स लेना कोई गुनाह नहीं है, लोग टैक्स देने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो सुविधा भी तो होनी चाहिए। आप सुविधा के नाम पर जीरो। ये एमसीडी, उनके पास ये मात्र 1 साल का टाइम है, वो चाहते हैं कि किसी भी तरह जनता के पैसे को वसूल करके अपना झोली भर ले, क्योंकि इनको अब जनता बाय बाय करने वाली है, उनका ये लास्ट है। अब दिल्ली के अंदर बीजेपी की विदाई है एमसीडी से, वो इसलिए बौखला हुए हैं, चाह रहे किसी भी तरह से, किसी भी तरह से लूट करके अपनी झोली को भर ले। नाम क्या हो? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी, आप जो शालीमार बाग में रह रहे हैं, यहाँ जो गंदगी का ढेर लगा हम देख रहे हैं, इसका क्या कारण? इसका कारण सर ये है कि मेन तो है इनका एमसीडी का वेतन, इनका ना मिलने के कारण। कोरोना काल के दौरान में इनको कोई वेतन नहीं मिला है, तो बेचारे वो इनका घर घर कैसे चलाएंगे वो अपना, तो इसी कारण में ये गंदगी हो रही है उनका, हड़ताल के कारण। उनका वेतन तो हड़ताल खत्म हो जाएगी। और क्या यहाँ कोई ऐसे खास मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि वो उसकी कारण? मुद्दे देखो, मुद्दे मेन मुद्दे हमारे सफाई, रोड वगैरह जो सब क्लियर होने चाहिए। मेन मुद्दा हमारा सफाई का होगा मेन, सबसे पहले। दिल्ली के अंदर नगर निगम की 5 सीटों पर उपचुनाव होने की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है और आचार संहिता भी लग चुकी है। दिल्ली की तीनों ही बड़ी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसके लिए कमर कस ली है। सभी अपने अपने स्तर पर इन 5 सीटों पर होने वाले निगम पार्षद के चुनावों में जीत और मेहनत कर रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड नंबर 62 में कांग्रेस पार्टी ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को बुलाया और सबको दिशा निर्देश दिए। देखिए, हमारी आज संगोष्ठी थी और निसंदेह के इलेक्शन नोटिफिकेशन आ गया है और समस्त कार्यकर्ताओं को हमने अपने बूथ स्तर के और हनुमान नेतागण हमारे वार्ड के शालीमार बाग नॉर्थ बीसीसी के, उनको बुलाया था और आज आने वाले चुनाव के बारे में हम लोगों ने विचार विमर्श किया। क्या लगता है आपका जो निगम के चुनाव है, इसमें आपको कैसे वो लग रहा है कि आप जीत पाएंगे? या देखिए, जो देश के मौजूदा हालात हैं और जो दिल्ली के मौजूदा हालात हैं,
वहाँ आम आदमी पार्टी को और भाजपा में रोज लड़ाई देख रहे हैं, नूरा कुश्ती देख रहे हैं, आम जनता परेशान है। तो मेरा ये मानना है कि संगठन अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में, जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए दिल्ली भाजपा द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समर्पण निधि योजना की शुरुआत वाल्मीकि मंदिर जे कॉलोनी वजीरपुर से की। दिल्ली भाजपा इस अभियान के तहत प्रदेश के छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक को जोड़ने का प्रयास किया गया है। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र गोठवाल भी पहुंचे। उन्होंने मीडिया को बताया कि लोग अपनी स्वेच्छा अनुसार 10 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक सहयोग राशि देकर इस पुण्य कार्य का सहभागी बन सकते हैं। ये पूरे देश के हिंदुओं की आस्था है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने। भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से आस्था अनुसार सहयोग राशि इकट्ठा करेगी। जैसा कि पूरे देश भर में और आपको सभी को जानकारी है, भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण शुरू हो गया है और भगवान राम सिर्फ किसी एक व्यक्ति के राम नहीं है, वो सभी के राम है। तो श्रद्धा सभी के साथ जुड़ी हुई है। इसी नाते हमारा डोर टू डोर भाजपा का, संघ परिवार का, सबका ये निर्णय हुआ है कि डोर टू डोर जाकर हम इसके लिए सहयोग राशि लेंगे। उसमें चाहे सहयोग राशि 10 रुपये भी हो सकती है, 100 रुपये भी हो सकती है, 1000 रुपये भी हो सकती है। उससे ऊपर देने वाले भी दानदाता बहुत हैं। हमारा बस मंदिर के प्रति जो समर्पण है उसी को भाव को देखते हुए सभी लोगों के दान राशि का। पैसे की कमी नहीं है, दान की कमी नहीं है, लेकिन फिर घर घर मांगने का उद्देश्य क्या है? मैंने बताया ना, ये भगवान राम किसी एक व्यक्ति के नहीं है, ये सभी का श्रद्धा का भाव जुड़ा हुआ उनके साथ। तो हम चाहते हैं कि सभी की श्रद्धा और सभी का सहयोग भगवान राम के मंदिर में हो। दिनांक 3 फरवरी 2021 को केशवर मुखलाल उच्च विद्यालय भिशवा बाजार के कक्षा 10वीं के सभी 103 लड़कियों को शिक्षण सामग्री जिसमें एमबीडी गाइड, पेन सेट, अभ्यास पुस्तिका, एग्जाम बोर्ड और बैक किट प्लान इंडिया द्वारा निशुल्क वितरण की गई। अभी तक प्लान इंडिया के तहत परिहार प्रखंड में कुल 733 शिक्षा सामग्री किट वितरण कर चुके हैं, जिससे लड़कियां काफी खुश हुई और सभी शिक्षकगण और बच्चियों ने प्लान इंडिया को इस कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्य की सराहना भी की। जिला समन्वयक संदीप कुमार झा, पल्लवी कुमारी, संजय कुमार और विद्यालय के प्रभारी अवेश सर और सहायक शिक्षक राजेश कुमार अताउला, मुमताज असरफ, भरैया पंचायत के मुखिया बीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में दी गई। एजुकेशन किट उपलब्ध कराया गया, इसके लिए हम विद्यालय परिवार की ओर से इस प्लान इंडिया के ऑर्गेनाइजर और इनसे जुड़े सभी कर्मियों को विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद देते हैं। और साथ ही यह नारी सशक्तिकरण की दिशा में बच्चियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल प्रतीत होती है और आने वाले समय में इस तरह का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए हम सभी सहायक साथ ही साथ विद्यालय परिवार की ओर से, विद्यालय प्रबंधन की ओर से प्लान इंडिया को धन्यवाद देते हैं। और बच्चियों को एक नया पंख मिला है सोचने का, एक नया नई दिशा मिली है। ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। ख्वाब भले ही टूटते रहे मगर हौसले कम नहीं होने चाहिए, हौसला ऐसा रखो कि मुश्किलें भी शर्मिंदा। थैंक यू। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में ये प्लान इंडिया की जानिब से जो कुछ भी सामग्री, बैग और गाइड, पेन और कॉपियां दी गई हैं, इसके लिए हम प्लान इंडिया के शुक्रगुजार हैं। हमारा पूरा विद्यालय परिवार श्री केशवर मुखलाल भिशवा हाई स्कूल, श्री केशवर मुखलाल हाई स्कूल भिशवा बाजार परिहार सीतामढ़ी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। प्लान इंडिया से हम कहना चाहेंगे कि आपका ये अच्छा लगा और ये सहयोग आपका आगे भी आता रहे तो ये और भी अच्छा लगेगा। उसके लिए मैं तमाम शिक्षक और तमाम साथियों से ये कहना चाहूंगा, साथियों की तरफ से, चाहे हमारे स्कूल के जितने भी स्टाफ उन सबकी तरफ से, प्लान इंडिया की जानिब से मैम लोग हैं, ये प्रेस वाले लोग हैं, सर लोग भी आए हुए हैं जिन्होंने वितरण करवाया है, कि ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस कदर निभेगा, ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस कदर निभेगा, कुछ हम कदम बढ़ाएं कुछ तुम कदम बढ़ाओ। और लास्ट में बच्चों को कहूंगा कि बढ़िया तैयारी करिए कि मैदान इम्तिहान से घबरा के हट न जाना, तक मिले जिंदगी है, चोटों पे चोट खाना। थैंक यू प्लान इंडिया। आगे भी मैम और सर हम लड़कियां लोग को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि लोग लड़का लोग समझते हैं, आपको पेरेंट्स लोग समझते हैं कि लड़कियां थोड़ी पीछे, लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, लेकिन ऐसा नहीं, हम भी लड़का से कुछ कम नहीं, लड़का से कदम कदम मिलाकर चल रहे हैं।
प्लान इंडिया की तरफ से जो ये व्यवस्था की गई है। मेरा नाम संजय कुमार। प्लान इंडिया के तहत जो आप किट बांट रहे हैं, इससे बच्चों को कहाँ तक सहायता हो रही है? सर, मैं प्लान इंडिया का FLW हूँ। ओके। और मैं जो है ना सोशल वर्कर हूँ यहाँ का। तो मैं चाहता हूँ कि जो मानव तस्करी होता है हमारे बिहार में, उसको कैसे रोका जाए। जब तक लड़कियाँ आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक शिक्षित नहीं होगी, तब तक जो है मानव तस्करी रुक नहीं सकता। इसके मेरा मेन उद्देश्य मानव तस्करी को रोकना, और हमारे राज्य से जो है दूसरे राज्य में, दूसरे देश में जो जाते हैं बच्चे लोग, बच्चिया लोग, तो उसको रोकने का। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।